नमस्कार साथियों, आशा है कि आप लोग कुशल से होंगे। बहुत सारे इस समय एग्जामिनेशन राज्य सरकारों के, कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के, अन्य विभागों के जो है विभिन्न पदों के जो पद एडवर्टाइजमेंट में है और उसकी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। कुछ हम भी प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारियों में कुछ सहयोग कर सकें और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ हम टॉपिक आपके साथ ला रहे हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक किसी विषय पर, कृषि से, उद्यान के होल, कृषि से, उद्यान से, मल्टीप्लिकेशन से हो, डिजीज इंसेक्ट मैनेजमेंट से हो, आईपीएम हो, आईएनएम हो, आप सजेस्ट कर सकते हो। प्रयास करेंगे कि प्रायोरिटी को, उस टॉपिक को हम आपके साथ शेयर करें। चलिए, हम जो आज आपका जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हमने जो एक विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वह विषय है फ्रूट ड्राफ्ट। क्लियरली टॉपिक से आपको क्लियरली स्पष्ट है, फ्रूट ड्राफ्ट मीन ड्राफ्टिंग ऑफ फ्रूट बिफोर रीचिंग द फाइनल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले यदि फल गिर जाए तो उसी को ड्राफ्टिंग कहा गया। और ड्राफ्टिंग की जो समस्या है वो मेनली दो क्रॉप में काफी इंपोर्टेंट है, दो फ्रूट क्रॉप में। पहला है मैंगो, दूसरा है सिट्रस। मतलब बहुत हेवी अगर इकोनॉमिक लॉस किसी क्रॉप में फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या से होती है तो ये दो क्रॉप का एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रक्रिया को बहुत शॉर्ट में देखें तो अगर आप मैंगो का, आप मेरे डायग्राम पर ना जाएं, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कराएंगे हम आपसे। सपोज करिए ये मैंगो का एक फल है। सामान्य तौर पर एक जो पतली सी टहनी होती है उससे एक मैंगो का फल लगा रहता है और इसको कहते हैं पेडिसिल। इसको पेडिसिल कहते हैं, ये आपका फल हो गया। जब फ्रूट ड्राफ्टिंग की समस्या आती है तो ये जो अटैचमेंट होता है यहां पर एक एब्सिशन लेयर बनता है। एब्सिशन लेयर बनता है और जब भी एब्सिशन लेयर बनता है तो समझ लीजिए कि वो फल अपने मूल पेडिसिल को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। और इस एब्सिशन लेयर की पहचान क्या है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एक ग्रूव आएगा, एक रिंग आएगा, डिप्रेस रिंग बनेगा और थोड़ा कह सकते हैं ना ड्राइनेस टाइप का होगा। तो जब एब्सिशन लेयर बनता है तो फ्रूट ड्रॉप करने की तैयारी है। ऐसे तो देखें तो बसंत का समय है, बसंत में पुरानी पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां फूल आते हैं। अगर पत्तियों का गिरना का ही बॉटनी समझने का, फिजियोलॉजी समझने का प्रयास करेंगे तो हर ड्रॉपिंग लीफ के अटैचमेंट पॉइंट पर एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये जनरली एब्सिसिक एसिड का कंट्रोल होता है और कह सकते हैं प्लांट की फिजियोलॉजी है। ड्रॉपिंग करना हो तो ये एक तरह से नेचुरल हीलिंग के लिए एक लेयर बना देता है ताकि वहां घाव ना बने और वो हिस्सा नेचुरली प्लांट से ड्रॉप कर जाए। तो यही स्थिति बनती है फ्रूट ड्रॉप में भी, एक एब्सिशन लेयर बनता है और इस एब्सिशन लेयर से फल नीचे ड्रॉप कर जाता है। हमने आपको एग्जांपल की बात कर ली, अब बात आती है कि फ्रूट ड्रॉप क्या एक ही बार होता है या कोई अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग फेजेज में होता है। अगर फेज, वेव्स, स्टेज के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो सामान्य तौर पर तीन स्टेज होते हैं। इसको होते हैं पिन हेड, एक होता है पोस्ट सीड ड्रॉप थर्ड वन प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। मैंगो के केस में इसे मेड ड्रॉप भी कहते हैं। तो तीन स्टेजेस पर मेजर जो फ्रूट ड्रॉप होते हैं वो तीन स्टेजेस में होते हैं। पिन हेड ड्रॉप नाम से क्लियर है कि जब फ्लावर स्टेज पर हो, या यूं समझिए कि फ्लावर सेट हुआ हो, अभी सेटिंग हुआ हो, पिन हेड जैसा हो, तो ड्रॉपिंग उस समय होती है। अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो शुरू के चार सप्ताह में ये ड्रॉपिंग देखने को मिलता है। बड़ी
कर सकते हैं ना ज्यादा पूरे, अगर आम के पेड़ के नीचे देखें तो पूरी की पूरी फ्लावर्स की लेयर बनी रहती है, और अगर इसकी एक्सटेंट देखें तो 50-60% तक इसमें ड्रॉपिंग देखने को मिलता है। पोस्ट से ड्रॉप जो होता है वो जनरली फल लगने के बाद ये कर सकते हैं ना कि 4 mm एन एवफ साइज के जो फल होते हैं, और ये इसकी टाइमिंग देखें तो 15 अप्रैल के आसपास जो है, या मिड अप्रैल का, ये 15 अप्रैल एग्जैक्ट डेट हो जाएगा, तो मिड अप्रैल के आसपास ये जो ड्रॉपिंग होती है, और ये 4 mm का इसमें फल होता है, ये इससे थोड़ी बड़ा होता है, यानी ये समझे हैं मटर के दाने ना, मटर के दाने के आकार का जब फल हो तब इस तरह की ड्रॉपिंग देखने को मिला। और ये ड्रॉपिंग अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा होता है करीब 70-80%। अब ये जोड़िएगा नहीं क्या 50-60% ड्रॉप यहां होगा, 70-80% ड्रॉप होगा, तो 100% से ज्यादा हो गया, नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंट है। अगर इसकी स्टेज में अगर सीवियर ड्रॉपिंग हो गई तो ड्रॉपिंग 50-60% जा सकती है, अगर आपने इस स्टेज को मैनेज कर दिया तो घट सकती है, और इस स्टेज में अगर ड्रॉपिंग हो गई तो सीवियर ड्रॉपिंग 70-80% जा सकती है। अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो यह एक मैक्सिमम ड्रॉपिंग स्टेज है पोस्ट एंड ड्रॉप, जब आम का फल लगभग 4 mm के आसपास होता है या उससे थोड़ी बड़ा होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। लेकिन प्री हार्वेस्ट ड्रॉप जो होता है ना, प्री हार्वेस्ट मतलब फल तोड़ने से पहले, अगर इकोनॉमिक पॉइंट से देखें तो सबसे ज्यादा डैमेजिंग स्टेज है किसान को। अगर मैंने यूं समझिए कि फल आपका तैयार है, बस कुछ दिन और टिक गया था तो बाजार में पैसा लेकर आया था और उससे पहले गिर गया, तो कह सकते हैं ना एक मोस्ट इकोनॉमिक लॉस स्टेज है। और इसमें जो फल का साइज होता है ये समझिए अखरोट के दाने के बराबर, यानी 16 से लगभग आप इसको 16-35 mm का साइज जब ले लेता है फल तो ये फल गिरता है, लगभग अखरोट के दाने के आसपास का होगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ड्रॉप है। तो इस ड्रॉपिंग के बारे में अगर देखें, अगर इतनी ड्रॉपिंग होती हो तो किसान को बहुत लॉस होने की संभावना है, तो इसकी कारण और क्या है, ड्रॉपिंग होती ही क्यों है, अगर एक कारण पता चल जाए तो हम इसका निवारण पता कर सकते हैं। तो कारण और निवारण के बीच में को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके पहले कुछ और फैक्ट्स भी जानते हैं। आपने नोट कर लिया? ओके, चलिए। कोई बता सकता है कि जो आम में आप बौर देखते हो, आम में फूल लगता है, तो वो कितना परसेंट आप फाइनली हार्वेस्ट करते हो, बताइए, अनुमान लगाइए। आप 95-99% ड्रॉपिंग होता है, यानी यूं समझिए मैक्सिमम 5% फ्लावर ही आपको हार्वेस्टिंग तक आता है, और मिनिमम 1% भी हो या इससे कम भी हो सकता है। सामान्य कंडीशन में 95-99% ड्रॉपिंग होती है। जो कमर्शियल मैंगो की वैरायटी है, मैक्सिमम ड्रॉपिंग है लगड़ा में करीब करीब 98%। मैं कमर्शियल वैरायटी की बात कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम ड्रॉपिंग होती है कमर्शियल वैरायटी में दशहरी लगभग 95%। आप 1-5% फ्रूट को ही, फ्लावर को ही हार्वेस्टिंग तक ले जाते हैं। अगर ड्रॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ और पॉइंट्स भी हैं। क्या बता सकते हैं उस जगह ड्रॉपिंग के हिसाब से देखें तो डायगोनल डिफरेंस भी है क्या, दिन और रात में अंतर भी है? बिल्कुल, दिन में ड्रॉपिंग, डे टाइम में ड्रॉपिंग ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नाइट, लगभग डबल होता है। पेड़ के डायरेक्शन का भी फर्क पड़ता है, ईस्ट एंड वेस्ट जो साइड की ब्रांचेज है उसमें ड्रॉपिंग कंपेरेटिवली कम होती है नॉर्थ और साउथ की तुलना में। इसके साथ ही आप जो पेरिफेरल है, वे जो पेड़ के बाहरी हिस्से के फल लगे हैं टहनियों पर, उसमें ड्रॉपिंग कम होता है एज कंपेरिजन टू इनर साइड, अगर कहीं पर कोई फ्रूट सेट हुआ हो उसमें ड्रॉपिंग ज्यादा होता है। अल्टीमेट कह सकते हैं
ड्रॉपिंग वराइटल डिफरेंस भी है, ड्रॉपिंग का साइड का भी इफेक्ट है, पेरिफेरी का इफेक्ट है, और फिर भी 1-5% ही फल हम हार्वेस्ट करते हैं। ये हमारी ड्रॉपिंग की ओवरऑल जो है ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आते हैं बात की ड्रॉपिंग का कारण क्या है, आप कैसे इसको मैनेज करें, एक किसान इसको मैनेज कैसे करे। कारण और मैनेजमेंट दोनों हम एक साथ बात करते हैं। बिल्कुल, पहला कारण क्या, दैट इज द कॉज एंड मैनेजमेंट। पहला काज क्या है, दैट इज द एम्ब्रियो अवस्था। हमने पहले अपने किसी वीडियो में आपसे चर्चा किया है, फल बनने या सीड बनने के लिए पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, एक्सेप्ट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बार बार हम चर्चा किए हैं, पाइन एप्पल है, बिल्कुल, और कोई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो एम्ब्रियो अवर्शन का कंडीशन यदि उत्पन्न होता है, एम्ब्रियो अवर्शन किस किस कंडीशन में हो सकता है, प्रॉपर पॉलिनेशन ना हुआ हो, पॉलिनेशन हुआ हो तो प्रॉपर पॉलिनाइजर वैरायटी का पॉलन ना आया हो, या वो सेल्फ इनकंपेटेबल वैरायटी हो, या सेल्फ इनकंपेटेबिलिटी हो, पॉलिनेशन तो हुआ, तो इन सारे कंडीशंस में पॉलिनेशन के बावजूद भी क्या होगा, इंब्रियो अबॉर्ट कर जाएगी, और इंब्रियो अगर अबॉर्ट करी तो फूड सेटिंग के बाद भी फल को ड्रॉप कर जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श हो, डे टेम्परेचर बहुत हाई हो, विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, तो हाई टेम्परेचर विद हाई विंड वेलोसिटी क्या करेगा, प्लांट पर स्ट्रेस करेगा और ट्रांसपिरेशन लॉस जो बहुत ज्यादा होगा, पत्तियों से, ग्रोइंग फ्रूट से ट्रांसपिरेशन लॉस होगा, और स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्रूट ड्रॉप बढ़ेगा। इसी नाते जब क्लाइमेटिक कंडीशन की बात होती है तो डे टाइम में फ्रूट ड्रॉप ज्यादा होता है और नाइट में फ्रूट ड्रॉप कम होता है, तो स्ट्रेस के कारण, इवन की मॉइस्चर, थर्ड वन दैट इज मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर कैसा है, इसलिए कहा जाता है कि अगर ग्रोइंग प्लांट फ्रूट हो रहे हैं तो प्रॉपर आप मॉइस्चर का मैनेजमेंट करिए, आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, चलिए ड्रिप नहीं लगा रहे हो तो प्रॉपर एटलीस्ट फ्लड या अन्य मेथड से आप मॉइस्चर का लेवल को मेंटेन करिए। तो मॉइस्चर का अगर नमी की कमी हो गई आपके खेत में तो भी फ्रूट ड्रॉप की सिचुएशन होगी, तो मॉइस्चर मैनेजमेंट करना होगा, नमी मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट वन दैट इज द लैक ऑफ चौथा हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सही, आप सब जानते हो कि पौधे को ग्रोथ करने के लिए जिस तरह से न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्रोइंग फ्रूट्स को उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। कहते हैं ग्रोइंग बेबी को, सीड के भीतर या फ्रूट के भीतर क्या है, ग्रोइंग बेबी है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना होगा, IPMM जिसको आप कहते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आइए ना भी कई बात करिए, अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा, अगर आपने प्रॉपर फर्टिलाइजर NPK और MAP, ये तो मेजर हो गया, आप यूरिया डालते हो, DAP डालते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास डालते हो, इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। क्लियर, तो माइक्रो एंड माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व और मेजर पोषक तत्व, दोनों का मैनेजमेंट
अगर आप नहीं है तो ये फ्रूट ड्राफ्ट की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये देखें कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट है हार्मोनल। अगर ये सारे कंडीशन आपने आप प्रॉपर मेंटेन किया, आपने मॉइस्चर अच्छा से मेंटेन किया हुआ है, आपने आपने न्यूट्रिएंट अच्छा मैनेज है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई इस तरह की अबनॉर्मल सिचुएशन नहीं आई है, बहुत आधी तूफान नहीं आया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं आई है, ये सारे कंडीशन नॉर्मल है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि वहां पर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज की इंसिडेंस ज्यादा हो। पेस्ट मैनेजमेंट नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? पेस्ट का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो भी फ्रूट ड्रॉपिंग होगी, और खास तौर पर अगर आप मैंगो का बाग देख रहे हैं, दो डिजीज मेजर फ्रूट ड्रॉपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है पाउडरी मिल्डियो, सेकेंड है एंथ्रेक्नोज। पाउडर मिल्डियो एंथ्रेक्नोज दोनों फंगल डिजीज है। होता क्या है, पाउडर मिल्डियो में पूरे बॉल के ऊपर आप देखेंगे ना, तो पूरे बॉल के ऊपर शुरू में लगता है कि आर्टिफिशियल पाउडर किसी ने छिड़क दिया है। कई बार किसान समझ नहीं पाते हैं, वो धीरे धीरे सफेद पाउडर धीरे धीरे ब्राउनिश कंडीशन में कन्वर्ट होता है, और देखते देखते पूरी बॉल ब्राउनिश हो जाती है, और इवन फ्लावर फ्लावर अगर सेट कर गया तो छोटे छोटे फ्रूट्स अखर फल थोड़ा बड़ा भी हो गया तो ड्रॉप कर जाना है, क्योंकि बॉल में ही जो अगर आम का फ्लावर को आप देखें तो बड़ा डेंस सा होता है, उसमें इतने सारे सारे के सारे फल गिर जाते हैं और बच जाती है तो सिर्फ एक फ्लावर की डंठल। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपने पाउडर मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज से भी बहुत ज्यादा खासतौर पर मॉइस्ट कंडीशन है, दोनों भी बीमारी अगर देखें पाउडर मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज, फ्लावरिंग टाइम में अगर मॉइस्ट कंडीशन है, टेम्परेचर थोड़ी बढ़ी हुई है, बारिश हो जाए तो दोनों के लिए बड़ा कंजेनियल कंडीशन है। तो इस कंजेनियल कंडीशन में आप जो है पाउडर मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज आने का डर है। एंथ्रेक्नोज में भी ब्राउनिश कर सकते हैं, पूरी बॉल का कलर जो है ब्राउनिश हो जाता है, और ब्लिस्टर टाइप का अपेयरेंस, इवन छोटे छोटे फलों पर पत्तियों पर एक ब्लिस्टर अपेयरेंस जैसे फफोले पड़ जाते हैं वैसा अपेयरेंस होता है। अगर ये दोनों बीमारी, इसके मैनेजमेंट हम जब मैंगो और सिट्रस पर चर्चा करेंगे ना, हाउ आईपीएनएम आईपीएम सब हम उस पर आईपीएम के खासतौर पर चर्चा करेंगे। तो ये जान लीजिए पाउडर मिल्ड्यू, जिस पर पाउडर नाम से स्पष्ट है, अगर पाउडर लाइक अपीयरेंस बॉल पा रही है या लीफ्स पा रही है तो समझ लीजिए पाउडर मिल्ड्यू है, और पाउडर मिल्ड्यू का अगर अटैक है तो ये समस्या फ्रूट ड्रॉप की आएगी। एंथ्रेक्नोज का ब्लिस्टर ब्राउनिश ब्लिस्टर्स हैं, पूरी बॉल ब्राउनिश हो रही है, ब्लैकिश हो रही है, या छोटे छोटे फलों पर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम है। दोनों फंगल डिजीज है तो ड्राफ्ट की प्रॉब्लम आए। इंसेक्ट के कारण भी हो सकता है मैंगो में, मैंगो हापर, ये बड़ा स्मॉल इंसेक्ट है, बहुत छोटा इंसेक्ट है, कई बार नेकेट ऐसे दिखता नहीं, आंख के आसपास ऐसा लगता है कि आप आम के बगीचे में जाइए, खासतौर पर जो निग्लेक्टेड बगीचा है जिसको बहुत किसान प्रॉपर मैनेज नहीं किया है, ऐसा लगेगा कि आपके आजू बाजू कुछ छोटे छोटे कीड़ों की झुंड है, वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज एक आती है, सनसनाहट की आवाज आती है, और पत्तियों पर तेल ही लक्षण आता है, ऐसा लगता है कि जो आम का पत्ती है ना उस पर तेल किसी ने छिड़क रखा, और उसको अगर हाथ से आप टच करें ना तो ऐसा लगेगा कि उस पर आप क्या कर सकते हैं, हनी का एक लेप लगाया हुआ है, हाथ से टच के लिए हनी लेटा ना, नहीं जो हनी या पेरेंस है लेप के ऊपर ये ब्लैकिश सा हो जाता है, सूती मोल्ड ग्रो कर जाता है। तो अगर मैंगो हॉपर का अटैक है, हॉपर का अटैक है तभी भी फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या, क्योंकि हॉपर क्या करता है, सारे जो इनफ्लोरेसेंस है सारे फ्लावर है उसके जूस को सक करता है और कमजोर बना देता है, और बॉल ड्रॉप करने लगती है, छोटे छोटे फल भी गिरने लगते हैं। इसके साथ मिलीबग, मिलीबग भी मैंगो का एक मेजर प्रॉब्लम है, जो एक बग होता है, काटनी ग्रोथ होती है, थोड़ा बड़ा होता है, स्पष्ट दिखता है, समझिए कार्टन इसके ऊपर लगता है कि किसी ने सफेद सफेद कार्टन चिपका के, कैसा कीड़ा दिखेगा
देखने में लगेगा कुछ सफेद काटन सा पेड़ के ऊपर चिपका हुआ है, अगर उसको आप हटाएंगे या किसी लकड़ी डंडे से छेड़ेंगे तब वो लगेगा वो कीड़ा है, वो भाग चलता है, अदरवाइज पेड़ से चिपका चिपका रहेगा पूरी। कभी कभी बहुत हैवी इन्फेस्टेशन होता है, अगर मिली वर्क का इन्फेस्टेशन है तभी भी फ्रूट ड्रॉपिंग फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हो सकती है। सिट्रस में ब्लैक राट है, सेम एंथ्रेक्नोज की समस्या अगर सिट्रस में भी देखी गई है और उसके साथ ब्लैक राट काला सड़न की समस्या अगर सिट्रस में हो तो हैवी ड्रॉपिंग होती है। ये तो कुछ ऐसे कारण हो गए। अगर इन सारे कारणों को आपने मैनेज कर रखा है फिर भी आपको ड्रॉपिंग आ रही है तो एक लास्ट कारण भी हो सकता है जो प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है, वो है हार्मोन इंबैलेंस। हार्मोन के इंबैलेंस से भी ड्रॉपिंग, सीवियर ड्रॉपिंग देखा गया, खासतौर पर अगर प्लांट में लो हार्मोन ऑक्सीजन हो जाए, लो ऑक्सीजन हो जाए तो यह समस्या देखी गई है। तो अगर इन सारे प्रीवियस जितने फैक्टर हमने बताए, जितने कारण बताए, उसको आपने प्रॉपरली मैनेज किया है और फिर भी फ्रूट ड्रॉप आपको दिखता है तो समझिए कि ये हार्मोनल हो सकता है, हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं और खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि आप अप्रैल मई में एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी केमिकल का स्प्रे करें, आप चाहे 2,4-D का स्प्रे करें। एक चीज अक्सर मैं कहता हूं 2,4-D एक वीडिसाइड के रूप में यूज होता है और हार्मोन की स्प्रे में बहुत ध्यान देने की बात है प्रॉपर कंसंट्रेशन का घोल बनाना। अगर आपने गलत कंसंट्रेशन का घोल बनाया स्प्रे किया तो डैमेज भी कर सकता है। 2,4-D हायर कंसंट्रेशन में वीडिसाइड का काम करता है, मतलब समाप्त कर सकता है। 2,4-D कितना पीपीएम? 10 से लेकर 20 पीपीएम। पीपीएम का घोल पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 1 पार्ट्स, 10 mg इन 1 लीटर। या 2,4-D नहीं डालना चाहते तो नफ्थलीन एसिटिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं 15 से 20 पीपीएम का। कई बार नफ्थलीन एसिटिक एसिड कई ऐसे हार्मोन्स है जिनको कुछ तो वाटर सेलेबल है, जब भी हार्मोन्स आप लें तो ध्यान देखें कि क्या वाटर सेलेबल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेलेबल है। तो कई बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हार्मोन इतनी कम मात्रा में आपको घोलने हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि भूला या नहीं भूला, हो सकता है आपका पूरा का पूरा उद्देश्य पूरा ना हो अगर भूला ही नहीं तो। इसलिए बाजार में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो कंपनियों ने उसे डाइल्यूटेड रख रखा है। एक प्लेनोफिक्स के नाम से बाजार में प्रोडक्ट है। प्लेनोफिक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो 4.5 ml प्लेनोफिक्स 1 लीटर पानी में अगर आप घोलें तो 15 ppm आपको जो नेप्थलीन एसिड की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से आप अगर हार्मोन डिफरेंस है, हार्मोन की डिफिशियंसी है, हार्मोन के इंबैलेंस के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें आप 2,4-D नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव 15 से 20 ppm या 10 से 20 ppm कर सकते हैं। अगर आपने मैनेज किया तो ड्रॉपिंग को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों हमने कोशिश किया पूरी फ्रूट ड्रॉपिंग की स्टेज, फ्रूट ड्रॉपिंग होती क्यों है और कारण क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।